क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर होगी इफ्तार पार्टी, लालू यादव के गैर मौजूदगी में होगी इफ्तार पार्टी। यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, मनीष कश्यप को 19 अप्रैल तक भेजा गया न्यायिक हिरासत में। सहरसा में साप्ताहिक विकलांग शिविर का आयोजन, विकलांगों से लिए गए आवेदन पत्र। सहरसा में बिहार बोर्ड परीक्षा में सफल बच्चों को मिला सम्मान, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने किया सम्मानित। भागलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी गड़बड़ी, लेबर पेमेंट का नहीं हुआ भुगतान। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इथेनॉल प्लांट खुल जाने से रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य और अनेकों उपलब्धि से भी लोगों को अवगत कराए जाने की बात कही है। इसके साथ ही बेला औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे बैग क्लस्टर का भी जायजा लेते हुए वो नजर आए हैं। तो हर जगह पर जो हम लोग कर रहे हैं, सबको मदद कर रहे हैं, तो ये सब सारा काम हो रहा और सब चीज है। तब एक तो बात है, हम लोग को इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, आई गरीब राज्य बिहार, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। अब सोच लीजिए, आर्थिक विकास दर हम सबसे ज्यादा बढ़वा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के हम लोगों का क्या है, प्रति व्यक्ति आय 54,383 और जबकि देश का है 1,50,000 रुपया। अब आप बताइए, तो हम लोग तो शुरू से न कह रहे हैं भाई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पटना में 13 अप्रैल को दावत इफ्तार का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव और सांसद मीसा भारती मौजूद रहेंगी। ये इफ्तार पार्टी राजद सुप्रीमो लालू यादव की गैर मौजूदगी में होगी। वही पिछले साल राबड़ी आवास पर हुई इफ्तार पार्टी के बाद बिहार का सियासी समीकरण बदल गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 साल बाद राबड़ी आवास पर पार्टी में पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई थी। मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु में बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। इसके बाद बिहार में आर्थिक अपराध इकाई पहले ही मनीष कश्यप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर चुकी है और मनीष के खिलाफ लगातार जांच भी चल रही है। बिहार पुलिस की प्रारंभिक जांच के बाद तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को अपने साथ ले गई है। वही मनीष कश्यप को 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में मदुरई सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।
खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां एक फुसनुमा मकान में आग लग गई है। वहीं आग की लपटों में नगद, कपड़ा, अनाज समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। सिलेंडर से आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट सामने आई है। वहीं आग की लपटों को देख अफरा तफरी मच गई, जिसकी सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं स्थानीय मुखिया संतोष शाह ने कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद भी की जाएगी। बहुत संपत्ति गाना गुड़िया पैसा कौड़ी फूस के घर पोशाकी अलमारी सब चिकन जर गई। कम से कम लाख रुपया के चीज में नुकसान हो गई। गरीब आदमी बटे हमने किया थी आज प्रशासन से कुछ एक में कृपा होके ये दिया जाए। क्या नाम पड़े रहो? असगर देवान। कौन सा जगह है? यही राजपुर। तो आगे धो ले मुँह में से भाग गई, बस आगे धो के सब फैल गए। फूस के घर रख सब चाउल हमर दाल सारा खर्ची वर्ची सब ओमे रहल। कथी कथी जरल बा? सब चीज पैसा कौड़ी सब ओमे रहल। हमर सब जर के ओमे बैठ सब। गया में नगर निगम में मेयर और नगर आयुक्त अब आमने सामने आ गए हैं। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की गई और बैठक में निगम प्रशासन की ओर से किए गए गड़बड़ियों का मुद्दा छाया रहा। बैठक में मौजूद मेयर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सदस्यों के साथ निगम प्रशासक अवधि के दौरान किए गए व्यय संबंधित अन्य मद में किए गए खर्चों का अवलोकन किया गया। वही बैठक में निगम प्रशासक अवधि के दौरान किए गए गड़बड़ियों से संबंधित फाइलों को सदस्यों ने प्रकाशित किया। वहीं सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने सरकार से जांच कराने की मांग की, जबकि नगर प्रशासन और आयुक्त पर करोड़ों रुपए के गबन करने का भी आरोप लगाया गया है। किया जाता है, हम महादलित से आते हैं और मेरा बात नहीं मानता है और कॉल करते हैं तो नहीं उठाता है। मैडम नगर आई और ये कहते हैं का कि इसको ऑफिस में क्यों बैठाते हैं, ऐसा ऐसा करके बात बोलते हैं। और मेरा नाम धर का जो इसका कर्मचारी है चिंटू सिंह, वो बोलता है क्या कि कोई कर्मचारी को हम जाके ड्यूटी दिया दिए तो वो का कहा। इसके बाद हम लोग ने अपने बैठक आज 5/4/2023 को बैठक आहूत किया हम लोग ने, क्योंकि इसके ऊपर गंभीर आरोप है। इनके रीजन में करोड़ों रुपया का घोटाला किया गया है, जो गया शहर के लिए बहुत ही दुखद है। और ये ऑफिस को शहर में जिस तरह से आपको लाइट एंड साउंड है, 9 महीना के इनकी अवधि में, साल भर की लगभग अवधि में इनके द्वारा गया शहर में कुछ ऐसा कार्य नहीं किया। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां अंतर्राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई राज्यों से खिलाड़ी पहुंचे और अपना दमखम दिखाया। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री रामसूरत राय के द्वारा गरहा में पशु मेले का आयोजन किया गया। इस महादंगल कुश्ती प्रतियोगिता में दूर दराज से पहलवान भी शामिल हुए। सभी पहलवानों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। वही विजेता पहलवानों को आयोजक रामसूरत राय की तरफ से इनाम दिया गया। वही पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा, आजकल समय बदल गया है, बेटियां भी आजकल हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर ही खड़ी हैं। जिस तरह आज उस कुश्ती प्रतियोगिता में बेटों के जवाब में बेटियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर जीत हासिल की है, वो काबिल-ए-तारीफ है। मकसद यही था जो पहलवान जी ने यहाँ से फोन कहा था, यही बोला था कि एक हम शुरुआत कर रहे हैं। और मेरा मेन मुद्दा यही रहता है कि जितनी भी मेरी छोटी बहनें हैं इंस्पायर होके वो निकले, अपना करियर बनाएं। और बिहार जैसे उसमें मैं देख रही हूँ यहाँ पे जनता काफ़ी दंगल, कई कई बार होने के बाद भी इतनी जनता दिखाई नहीं देती। हम पंजाब में भी गए हैं, काफ़ी जगह हमने भारत के श्री के कोटा कर्नाटका मतलब बहुत जगह गए हैं। मैं कम से कम 20-21 बार भारत के श्री हूँ, जो उत्साह लोगों में दिख रहा, खासकर इतनी महिलाएं यहाँ जुड़ी हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं हमें देख के हमारी छोटी बहनें निकलें। और मकसद यही था जो पहलवान जी ने यहाँ से फ़ोन कहा था। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की,
अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर नालंदा से है जहां पिछले 31 मार्च को विराट शोभा यात्रा के दौरान हुए उपद्रव के बाद पुलिस प्रशासन लगातार नजर बनाए रखे है। उपद्रव के बाद लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे इलाके में फ्लैग मार्च का आयोजन किया जा रहा था। जिन इलाकों में विराट शोभा यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया था उन सारी जगह पर पुलिस शांति मार्च निकाल रही है। वह इसी क्रम में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ शांति मार्च का आयोजन किया गया और शांति मार्च का मकसद यही है कि पूरे बिहार शरीफ इलाके में शांति और अमन चैन बना रह सके। कोशिश ये की जा रही है कि लोग जागरूक हो और अफवाहों पर ध्यान देने से बचे। जो है पैरामिलिट्री के साथ एक शांति मार्च निकला है जो लगभग 10 किलोमीटर चला है। तो मकसद हमारा यही है कि हम शहर में अमन का संदेश देना चाहते हैं, शांति रहे शहर, शहर जो है वापस पुनः जो है वो सामान्य स्थिति में लौट आए। कोशिश हमारी यही है कि लोगों को अवेयर करें कि अफवाहों में यकीन न करें। कंट्रोल रूम के नंबर लोगों को दिए गए हैं, 112 पर लोग कांटेक्ट कर सकते हैं यदि उनकी कोई समस्या है तो, लेकिन किसी प्रकार की अफवाह में यकीन न करें। जब तक प्रशासन पुष्टि नहीं करता किसी घटना की तब तक उस घटना को ना माने, प्रशासन संपर्क करें, प्रशासन आपके सहयोग के लिए है। सहरसा जिले में सीएचसी सौर बाजार में साप्ताहिक विकलांग शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सभी विकलांग महिला और पुरुष से आवेदन लिया गया। वह शिविर को लेकर मोहम्मद सैफ ने बताया कि प्रत्येक बुधवार को शिविर लगाकर आवेदन लेकर उसे जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया जाता है, उसके बाद विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। वह विकलांग शिविर में आए गौतम कुमार ने सरकार से मांग की है कि विकलांग लोगों को मिलने वाली पेंशन राशि भी बढ़ाई जाए, साथ ही जो भी महिलाएं और पुरुष विकलांग है उसे सरकारी नौकरी में आरक्षण भी बढ़ाया जाए। हम पंचायत विकलांग अध्यक्ष हैं और विकलांग जनों का सेवा करते हैं, उनको सही गाइडेंस देकर उनका सर्टिफिकेट बनवाया देते हैं। अच्छा, किस पंचायत के हैं आप अध्यक्ष? आदर्श ऊर्जा ग्राम रोहतक है। अच्छा, किस प्रकार के सहयोग करते हैं? जैसे मान के चलिए आपके पंचायत में कैगो विकलांग है, इस बात की जानकारी आप लोगों को होगी? हमारे पंचायत में लमसम 125 हैंडीकैप है। वहीं सहरसा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने बिहार बोर्ड परीक्षा में सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। सभी सफल बच्चों को सौर बाजार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने सम्मानित करते हुए बधाई दी और कहा कि मेहनत और लगन से पढ़ाई करने से छात्र हमेशा सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य सुधांशु शेखर, विद्यालय के शिक्षक सहित छात्र भी मौजूद रहे। से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं, अतः इनको सम्मान के लिए हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापिका, शिक्षक बंधु, हमारे समिति के शिक्षा से शिक्षा मंत्री के रूप में जाने जाते हैं सुधांशु शेखर जी।
भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मनरेगा योजना से मिलने वाले लेबर पेमेंट में भारी गड़बड़ी बरतने का मामला सामने आया है। कार्यक्रम में पदाधिकारी देवेश कुमार गुप्ता से जानकारी प्राप्त करने पर उन्होंने बताया कि डेटा ऑपरेटर के द्वारा आवास योजना के मजदूरी का पैसा जो आता है, उस पैसे को जिस लाभार्थी के खाते में मिलना चाहिए उस लाभार्थी को नहीं देकर उस पैसे का किसी गैर खाते में ट्रांसफर किया जाता है। लाभार्थी को मिलने वाले मनरेगा योजना से लेबर पेमेंट में भारी गड़बड़ी बरती गई है। ऐसे सैकड़ों लाभार्थी हैं जिन्हें लेबर पेमेंट का भुगतान नहीं हुआ है। इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। मजदूरी का पैसा लाभुक के खाता में ना जाके अदर खाता में जा रहा है। क्या क्या नाम है सर ऑपरेटर का? धीरज कुमार और प्रमोद कुमार, यहाँ बर्खास्त कर दिया गया है फिलहाल, और उस पर हम जांच कर रहे हैं। जांच करके जो भी होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। कब तक जांच हो जाएगी सर? कुछ एक सप्ताह लगेगा जांच करने में। वो प्राइवेट स्टाफ था फिर सरकारी? प्राइवेट। तो प्राइवेट ऑपरेटर होकर के वो कैसे अकाउंट में पैसा भेज दिया करता है? चेंज करने का कुछ रहता है उसमें, एक दो नंबर चेंज करके बदल सकता है। बिना पदाधिकारी के आदेश से वो ऐसा काम क्यों करते हैं? हाँ, वो सबको जैसे लॉगिन पासवर्ड लगता है। प्राइम बिहार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। हॉलीवुड से लेकर